एयरप्लेन में आखिर फ्यूल टैंक कहाँ होता है? और भारत का एक ऐसा परिवार जिसके 5 जनरेशन का हर कोई फैमिली मेंबर डॉक्टर बना, पर ऐसा क्यों हुआ? और एक मोबाइल से आप एक ही समय में 2 गाने कैसे सुन सकते हैं? वीडियो में जानेंगे आप। और ऐसा कौन सा गाना था जिसे सुनकर बकरियां 30% से ज्यादा दूध देने लगती थी? और 2007 का आईफोन पहला मॉडल आखिर 32 लाख रुपए में कैसे बिका? और कुत्ते आखिर इंसानों के प्राइवेट पार्ट्स को क्यों सूंघते हैं? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 70। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एयरक्राफ्ट का फ्यूल टैंक कहाँ पर होता है? वेल, एयरक्राफ्ट का फ्यूल टैंक तो एयरक्राफ्ट में ही होगा, लेकिन एयरक्राफ्ट में ये कहाँ पर मौजूद होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एयरक्राफ्ट का फ्यूल टैंक उसकी मेन बॉडी में नहीं बल्कि विंग्स में होता है। एयरक्राफ्ट के दोनों ओर के विंग्स में फ्यूल टैंक होता है। इसके अलावा पिछले हिस्से में मौजूद 2 छोटे विंग्स में भी फ्यूल टैंक होता है। नंबर 60। एक डॉक्टर की शादी सिर्फ डॉक्टर से ही होगी, उसके बच्चे भी सिर्फ डॉक्टर ही बनेंगे, और बच्चों की शादी भी डॉक्टर से ही होगी, और उसके बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, और इस तरह से ये साइकिल जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। हमारे समाज में डॉक्टर को लेकर कुछ ऐसी ही सोच है, और इस सोच को पूरी तरह सच साबित करती है दिल्ली की सभरावल फैमिली, जहां पिछले 100 सालों से लोग सिर्फ डॉक्टर ही बन रहे हैं। इस फैमिली में डॉक्टर बनने का यह सिलसिला साल 1920 में शुरू हुआ, और तब से लेकर आज तक इस फैमिली की 5 जनरेशन का हर एक शख्स डॉक्टर बन चुका है। सभरवाल फैमिली में ये नियम बन चुका है कि इस फैमिली में पैदा होने वाला हर शख्स सिर्फ डॉक्टर ही बनेगा, और उसकी शादी भी सिर्फ डॉक्टर से ही होगी। इस नियम की जैसे आज इस परिवार में 140 डॉक्टर हो चुके हैं। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 50। दुबई के बाद अब सऊदी अरब भी खुद को टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रूप में डेवलप कर रहा है, और इसी वजह से वो आए दिन नए नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर रहा है। अभी हाल ही में सऊदी अरब ने दुनिया का सबसे बड़ा यॉट बनाने की घोषणा की है। इस यॉट के डिजाइन एंड डिटेल्स भी सामने आ चुकी है, जो दिखने में एक महल से भी बढ़कर है। टेरा यॉट पैंगियोस नाम के इस यॉट का निर्माण कछुए की शेप में किया जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 1800 फीट होगी, और इसमें एक बार में 60,000 लोग रह सकेंगे। बेसिकली ये यॉट एक फ्लोटिंग सिटी होगा, जिसमें विलास, मॉल और बीच क्लब समेत सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद होंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग $5 बिलियन का खर्च आएगा। नंबर 14। दोस्तों, आपने पेप्सी तो बहुत पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ब्लू पेप्सी पी है? वेट ए मिनट, क्या पेप्सी ब्लू कलर में भी आती है? वेल, फिलहाल तो नहीं आती, लेकिन आज से लगभग 20 साल पहले मार्केट में पेप्सी ब्लू कलर में मिला करती थी। पेप्सी ब्लू को वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया, और सिर्फ 2 साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब इसका टेस्ट कैसा था वो तो इसे पीने वाले ही बता सकते हैं। क्या आप में से किसी ने पेप्सी ब्लू पी थी? अपना जवाब हाँ या ना में जरूर दें। नंबर 13। मोबाइल हमारी जिंदगी पर इतना गहरा असर हो चुका है कि अब युवा तो छोड़िए, बच्चे भी मोबाइल के बिना नहीं रह पाते। बच्चों के बीच मोबाइल की इस आदत की वजह से उनका बचपन उनसे छिनता चला जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र के बंसी नाम के एक गाँव ने अपने यहाँ बच्चों के द्वारा मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। मोबाइल पर ये प्रतिबंध 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों पर लागू होगा, और अगर किसी भी बच्चे को मोबाइल का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस बच्चे के परिवार के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। टीनेजर्स को गलत चीजें देखने से रोकने और उनमें फिजिकल खेलकूद को बढ़ावा देने के मकसद से ये प्रतिबंध लगाया गया है। क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? जवाब हाँ या ना में दीजिए। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 12। दोस्तों, जब टेस्ट क्रिकेट में टी ब्रेक होता है तब चाय नाश्ते के लिए सभी खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट जाते हैं, लेकिन क्रिकेट में एक ऐसा जमाना भी था जब टी ब्रेक के दौरान खिलाड़ी पवेलियन वापस नहीं लौटते थे, बल्कि उन्हें मैदान में ही चाय नाश्ता दिया जाता था, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीर वर्ष 1938 की है, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज टेस्ट खेला जा रहा था। इसी तस्वीर की एक और खास बात यह है कि जो खिलाड़ी बैठा हुआ नजर आ रहा है वो कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि सर डॉन ब्रैडमैन है। नंबर 11। इस तस्वीर को देखकर पहली बार आप शायद यही सोचेंगे कि ये तस्वीर कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप के किसी स्टेडियम की तस्वीर है, पर दोस्तों ये किसी विदेशी स्टेडियम की तस्वीर नहीं बल्कि अपने ही देश के स्टेडियम की फ्यूचर इमेज है। गुजरात के सूरत में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। ये शानदार डिजाइन उसी स्टेडियम का है। खास बात यह है कि ये स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें और भी कई सारी चीजें होंगी, जैसे मॉडर्न क्लब्स हाउस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और मिनी थिएटर। नंबर 10। दोस्तों, अगर हमें अननोन नंबर से कॉल आता है तब वो नंबर किस बंदे का है ये पता लगाने के लिए हम थर्ड पार्टी ऐप ट्रूकॉलर का उपयोग करते हैं, लेकिन आप बहुत जल्द आपको नंबर पता करने के लिए ट्रूकॉलर जैसे ऐप से छुटकारा मिल जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के लिए एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब कंपनियों को अपने मोबाइल में वो फीचर्स देने होंगे जिससे कोई भी नंबर मोबाइल में सेव हो या ना हो। कॉल करने वाले बंदे का नाम, मोबाइल पर चीन के लोगों के बारे में सुना था कि वो लोग कुछ भी खा जाते हैं, और अब पता चल रहा है कि चीन के नक्शे कदम पर चलने वाले बहुत सारे देश इस दुनिया में मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका
अफ्रीका के लोगों के बीच एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है और ये ट्रेंड है कीड़े मकोड़ों को खाने का। ये लोग अलग अलग प्रजाति के कीड़े मकोड़ों को फ्राई एंड रोस्ट करके बड़े चाव से पॉपकॉर्न की तरह खाते हैं। नंबर एक, क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन के इतिहास की सबसे शक्तिशाली शासिका में से एक थी। क्वीन विक्टोरिया ने वर्ष 1840 में प्रिंस अल्बर्ट से शादी की थी। अपनी शादी के दिन इन दोनों ने जो केक काटे थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस केक का एक टुकड़ा आज भी इस दुनिया में मौजूद है। लगभग 180 सालों से प्रिजर्व्ड केक के इस टुकड़े को साल 2016 में नीलाम किया गया, जहां इसे लगभग 1.5 लाख रुपए में एक शख्स ने खरीदा। नंबर 7, दोस्तों कल्पना कीजिए कि कभी आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, आप दोनों के पास सिर्फ एक ही मोबाइल हो और आप दोनों का एक ही समय में अलग अलग गाने सुनने का मन करने लगे, तो आप क्या करेंगे? वेल, ज्यादा मत सोचिए, बस आप स्प्लिट क्लाउड ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना ईयरफोन कनेक्ट कीजिए और एक ईयरफोन खुद और अपने एक दोस्त के कान में लगा दीजिए। इसके बाद स्प्लिट क्लाउड ऐप ओपन करना और जो गाना आपको सुनना हो वो प्ले करना, और जो गाना आपके फ्रेंड को सुनना हो वो भी प्ले कर लेना। फॉर योर सरप्राइज, ईयरफोन्स के दोनों साइड में एक ही समय पर दो अलग अलग गाने बजने लगेंगे, है ना कमाल की बात। नंबर 6, जापान में वैसी लड़कियां जो 25 साल की उम्र के बाद भी सिंगल रहती हैं, उन लड़कियों को लेफ्ट ओवर क्रिसमस केक के नाम से जाना जाता है। ये अजीबोगरीब नाम उस रेफरेंस में दिया गया जब क्रिसमस के दौरान बिकने वाले आइटम्स 25 दिसंबर के बाद भी बचे रह जाते हैं और फिर 25 तारीख के बाद कोई भी इंसान उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदता। इसी रेफरेंस की वजह से बेचारी वो लड़कियां भी लेफ्ट ओवर क्रिसमस केक बन जाती है। नंबर 5, 1960 के समय में लोग अगर आज की तरह कंप्यूटर पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे होते तो शायद आज दुनिया का इतिहास कुछ और होता। दरअसल वर्ष 1960 में नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस डिफेंस में मौजूद एक कंप्यूटर ने 99.9 सैटेनिटी के साथ ये वार्निंग देना शुरू किया था कि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ अमेरिका के ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया है। इस वार्निंग के मिलते ही अधिकारी हरकत में आ गए और उन्होंने अपने स्तर से इसकी जांच शुरू की, और फिर जांच में पता चला कि ग्रीनलैंड में मौजूद अर्ली वार्निंग सिस्टम ने दरअसल उगते हुए चांद को साइबेरिया की ओर से किया गया मिसाइल अटैक समझ लिया है। ये वार्निंग सिस्टम किस लेवल का था भाई कि चांद और मिसाइल अटैक में भी फर्क नहीं समझ पाया। नंबर 4, अगर इंडिया में दो दिन भी काम पर न जाए तो तीसरे दिन बॉस के प्रवचन सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन नीदरलैंड्स में अगर आप 2 साल तक भी काम पर नहीं जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इनफैक्ट 2 साल तक एब्सेंट रहने के बावजूद आपको 70% सैलरी भी मिलती रहेगी। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर भी गानों को सुनकर उसे एंजॉय करते हैं? वेल, सभी जानवरों का तो पता नहीं, लेकिन कुछ जानवर जरूर गानों को एंजॉय करते हैं, और इस बात का सबूत है इंग्लैंड की वो बकरियां जो जस्टिन बीबर एंड मारिया कैरी के गाने ऑल आई वॉन्ट फॉर क्रिसमस इज यू को सुनकर 20-25% ज्यादा दूध देने लगी थी। इन बकरियों के मालिक के अनुसार जब भी वो इन गानों को लूप पर प्ले करते थे उनकी बकरियां ज्यादा दूध देने लगती थी। शायद ये बकरियां इस गाने से काफी ज्यादा खुश होती थी इसीलिए ज्यादा दूध देने लगती थी। नंबर 2, अगर साल 2007 का सबसे पहला आईफोन कोई आपको बेचने की कोशिश करे तो क्या आप उसे खरीदेंगे? वेल, आपका जवाब यही होगा कि 15 साल पुराने इस आईफोन को कोई भी नहीं खरीदेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले 15 साल पुराने इसी आईफोन को अमेरिका के एक शख्स ने 32 लाख रुपए देकर खरीदा है। जी हाँ, जितने पैसे में आईफोन के 2 दर्जन लेटेस्ट मॉडल्स खरीदे जा सकते हैं, इतने पैसे में इस शख्स ने ओल्डेस्ट मॉडल आईफोन को खरीदा है। दरअसल 2007 का ये आईफोन आज भी अनओपन बॉक्स में है, यानी इस आईफोन का बॉक्स अब तक खुला ही नहीं है, इसी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। नंबर 1, दोस्तों कुत्तों को दुनिया का सबसे वफादार जानवर कहा जाता है, लेकिन आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुत्ते आकर इंसानों के प्राइवेट पार्ट्स को सूंघने लगते हैं। ऐसा कई बार एक दूसरे के साथ भी करते हैं, लेकिन सवाल उठता है वो ऐसा क्यों करते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों इंसानों की नाक में 5 से लेकर 10 मिलियन तक रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम सूंघ पाते हैं, वहीं कुत्तों में 250 से लेकर 300 तक रिसेप्टर्स होते हैं, इसीलिए उनके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स को ही क्यों सूंघते हैं? असल में हमारे प्राइवेट पार्ट्स के पसीने में एप्रोप्राइन ग्लैंड होते हैं जिनमें स्पेशल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपको कोई बीमारी है या नहीं, आपकी उम्र कितनी है, आप पुरुष है या महिला, इसीलिए वे ये सभी जानने के लिए आकर प्राइवेट पार्ट्स को सूंघते हैं। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।